नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और हमारी टीम NH0 की टीम जो चुनावी चर्चा पे चुनावी जो यात्रा निकली है सियासी हमारी, वो गांव-गांव टहल रहे हैं। बिहार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा में जाते हैं और ग्राम सभा में जाते हैं और वहां के जाके बात करते हैं कि क्या स्थिति है। और आज हम पहुंच चुके हैं मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र है जिसकी ग्राम सभा है। अभी प्रधान से बोलते ग्राम सभा क्या है, तस्तोई ग्राम सभा पहुंच चुके हैं। अक्सर हम आपने देखा होगा हम चुनावी यात्राओं पे जाते हैं, किसी ग्राम प्रधान से नहीं मिलते, लेकिन यहाँ एक खासियत लगी मुझे कि हमने देखा गांव में RCC है, कई सड़कें RCC बनी हुई है, लेकिन ये जो ग्राम प्रधान इनके घर के बाहर ही खड़ंजा है, तो ये उत्सुकता ले आई यहाँ पर, तो हम इन्हीं से ज्यादा बात करते हैं। प्रधान जी क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। आप ये क्या, इसका क्या कारण है कि आपके गांव में तो RCC दिख रही है, आपके दरवाजे पे खड़ा जाए? हमने कहा लोगों की इतराज ना हो पाए, पहले दूसरों को बना दे, हमारी बनती रहेगी बाद बन जाएगी, हमको इतराज नहीं चीज की। जब सरकार बजट भेजेगी तो हम बनवा देंगे सरकार RCC। आपकी ग्राम सभा का क्या नाम बताया? दस दुई। कितने मजरा लगते हैं इसमें? 5 गाँव। कुल आबादी कितनी है लगभग? 2745 है आबादी। कितना होगा वोटर? 2745। अच्छा, इसमें जो आपकी ग्राम सभा है इसमें मैक्सिमम कौन सी कास्ट के लोग ज्यादा? या हरिजन ज्यादा है। हरिजन ज्यादा, हाँ हरिजन ज्यादा। अच्छा, इस बार आप जो ग्राम सभा देख रहे थे, रोड तो है लेकिन एक बड़ी समस्या जो दिखी वो ये है कि सड़कों पे जो ना जानवर बंधे हुए हैं, सड़कों पे बहुत ज्यादा निकलने वाली नहीं है, देखिए जबकि रोड RCC है। मगर लोगों से कहते हैं मगर मानते भी नहीं है, क्या करें, मजबूरी है। कहते हैं जो प्रधान तुमको करना कर, जो क्या करें, हम बांधेंगे। तो बड़ा इशू है, आप तो ग्राम के मुखिया हैं, मगर लोग मानते नहीं, क्या करें। चलिए इससे इतर हम बात करते हैं, आपके यहाँ समस्या आपकी ग्राम सभा की क्या है अभी? हमारे वहाँ समस्या बहुत है, हमारे वहाँ न स्कूल है लड़कियों खाते हैं, न कुछ है। स्कूल नहीं, स्कूल लड़कियों के अलग स्कूल नहीं, बच्चियों को कहाँ भी या तो कॉमन पढ़ती होंगी? अब यहाँ प्राइवेट जाती है, क्या मजबूरी है हमारे वहाँ। आपकी ग्राम सभा में स्कूल किस क्लास तक है? बस 5वीं तक है, प्राइमरी स्कूल है बस। अच्छा, और आपने अभी तक जो पानी पेयजल वाली पानी व्यवस्था है वो कैसी है आपके, हैंडपम्प वगैरह? नहीं, हैंडपम्प हमारे जितने लगे थे हमने सबको मरम्मत करवा दी, जो उसमें सामान था डालने वाला, जैसे गिलास था ऊपर के, सब पाइप थे, हमने सब बदला दिया, पानी की कोई दिक्कत नहीं हमारे। एक बड़ा अभियान चला था, क्या आपके यहाँ कोई स्टेडियम टाइप का है जैसे खेलो अभियान के तहत हो रहा था, क्या आपके यहाँ कोई ऐसा ग्राउंड है बच्चों खेलने के लिए? जी, हमारे वहाँ सरकार ने दी थे, हमने उसका प्रस्ताव दिया, मगर उसमें सुखराम है जो उसमें दमंगे करते हैं, हमारे ब्लॉक कर्मचारी उनको नापने नहीं देते हैं। अच्छा, मतलब विवाद है हमारे ऊपर, तो उसने मुकदमे भी जारी कर दिया है, पुलिस में हाय है, बहुत हो गई, उसमें थाना पुलिस हो गया। आमतौर पर देखा गया कि हर ग्राम सभा में कुछ ना कुछ परती जमीन होती है, बहुत है हमारे, बहुत ज्यादा। आपके यहाँ क्या स्थिति है? हमारे 85 बीघा है गौशाला की जमीन है, दबंगों और कब्जा लोग की है, क्या करें। ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि ग्राम प्रधान भी परेशान है कि अगर उनका उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो फिर क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो आपने किसी शिकायत किस वाले में मामले में? मैंने सीडीएम साहब को आने के बात किया, मैंने कहा चलो खाली हो जाएगा। अच्छा, और लेखपाल हमारे वहाँ आता है, कुछ करता भी नहीं। अच्छा, ग्राम आपकी समस्या बताया, आपके यहाँ एक तो बालिका वाली है, बालिका विद्यालय नहीं, और दूसरा और क्या समस्या है? अरे यही समस्या है कि RCC रोड है, यहाँ हमारे वहाँ भी बनी नहीं, वही समस्या है, वो समस्या है। मैक्सिमम जो गांव वाले हैं आपके, सब खेती पर निर्भर है या नौकरी पेशा? अरे वैसे तो हमारे वहाँ सब कृषि का काम होता है वहाँ। अच्छा, बहुत सब कृषि ही काम होता है। आपके यहाँ सबसे ज्यादा खेती कहाँ की होती है? हमारे यहाँ सब बगीचा है आम का। आपके यहाँ जो गांव में बुजुर्गों की आबादी कितनी होगी लगभग, जो जैसे कि पेंशन के पात्र है, क्या कितने को आपने पेंशन बनवाई लगभग? मैंने वृद्धावस्था, विधवा पेंशन या फिर अन्य पेंशन? अरे विधवा पेंशन हमने नए जहाँ कैंप लगवाई थी तो मैंने 105 फार्म डलवाई। अच्छा, विधवा पेंशन 60 साल है मृत वाले 5 मैंने फार्म डलवाई। बाकी आपके यहाँ कॉलोनी वाली क्या है? कॉलोनी अभी आवास हमारे वहाँ है नहीं सर। क्यों, आपका तो कार्यकाल लगभग तो अच्छा अभी नया शुरू हुआ। नया? ओके ओके, अच्छा नया शुरू। इससे पहले आप पहली बार ग्राम प्रधान चुने गए? जी, अभी तो खैर शुरुआत है, अभी आपके पास बहुत मौके हैं, तो आप अभी तो आपके सामने बहुत लंबा वक्त पड़ा है। अरे भी बहुत है हमारे पास वक्त, सर आप देती रहेंगे, हम मनवाते रहेंगे। आप अपने ग्राम सभा के लिए कोई 5 बड़े काम बताइए जो करना चाहते हैं। 5 काम? हाँ, जो करना चाहते हैं। नंबर 1 गिनेंगे? नंबर 1
नंबर वन हमारे यहाँ जितने गौशाले की जमीन है उसको हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारे यहाँ तत्काल जमीन गौशाला की को खाली कराइए। नंबर टू हमारे वहाँ भी आरसीसी रोड मेन वाली बाकी है, दो रोड उनको करवा दीजिए बस, मैक्सिमम आरसीसी रोड। हाँ। नंबर तीन है ये जो हमारे वहाँ जानवर रोड पे बांधते हैं, इनको लोग कहते हैं मानते हैं नहीं, बस। नंबर चार ये हमारे वहाँ घूर गड्ढे की जमीन है, रोड पे घूर डालते हैं गांव के अंदर, हमारे वहाँ बीमारी बहुत है और हमारे घूर गड्ढे की जमीन, सरकार से निवेदन है कि हमारी तत्काल जमीन खाली कराए घूर गड्ढे की जमीन। नंबर पाँच हमारे वहाँ सरकार ने शहरी क्षेत्र में आवास दिया है, इसी तरह हमारे वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में सरकार से निवेदन है कि हमारे वहाँ आवास ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में दी जाए। अगर अगर ये तो हमारे टॉप प्रायोरिटी पांच थे, अगर आपका कुछ हटा हो या कुछ और चाहते हैं अपने क्षेत्र? अब वो खेल मैदान है हमारे बच्चों खातिर, जो सरकार दे देगी तो बहुत मेहरबानी होगी गाँव का, पंचायत भवन है जिसे, ऐसी चीजें बन जाए हमारे सरकार। पानी की टंकी हमने सरकार से मांगी थी, उसने प्रस्ताव मैंने भेज दिया। हमको सरकार योजना देती रहेगी, हमको प्रॉब्लम कोई है नहीं, हम बनाते रहेंगे। नहीं, सरकार तो देती है और देगी भी, तो उनको आपको लागू करना है, आपको ऐसा ना हो कि आप बैठे ही रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, योजना कोई रखी वाली चीज नहीं, रख ले अपने घर में, हम बनाते रहेंगे। शौचालय क्या स्थिति? एक बड़ा इशू ये आता है कि आप स्वच्छ भारत मिशन बात हो रही है, तो आपके देखिए हमारे अभी, अभी, अभी आपका कार्यकाल शुरू भी नहीं हुआ कार्य से, नहीं, तो इससे पहले अभी स्थिति क्या है कि आपके गाँव के? देखिए हमारे वहाँ भी शौचालय बने हैं, अभी बहुत बाकी हैं, लोगों से मांग है कि अभी जब बजट में पैसा नहीं है ना, सरकार दे रही तो कैसे सचिवालय बना ले। नहीं, अभी तो आपका कार्यकाल शुरू हो रहा है, जो अब शुरू हो रहा है। हाँ। तो आप जो है ना पूरा अब व्यवस्था की जाएगी, तो मतलब आपके यहाँ एक इशू बड़ा ये भी शौचालय वाला। तो ये हमारे साथ है ग्राम प्रधान जी, इनसे हम बात कर रहे थे। तो NS0 की टीम, हम ग्राउंड रियलिटी आपको यूं ही दिखाते रहेंगे, हमारा चुनावी सफर यूं ही जारी रहेगा। आज फिलहाल ग्राम प्रधान जी के साथ अपनी वार्ता, धन्यवाद।